नमस्कार, मैं नारायण जोक्सन, आचार्य राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक तखतगढ़। आज हम NCERT द्वारा प्रदत्त पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ पद्य खंड सूरदास का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास ही में माना जाता है। आप महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य व अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे। वे वृंदावन और मथुरा के बीच गऊघाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में आपका निधन हुआ। उनके तीन ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में से सूरसागर अधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविताओं में मिलता। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उन्हें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही कड़ी है। प्रस्तुत पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा और यही से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे वीरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की वह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं तन मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की हट धर्मिता को दर्शाता है। पद उधो, तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्ने तगाते नाहीन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, ज्यो जल मा तेल की गागरी बुंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर छाटी ज्यो पागी। इस पद के अंदर गोपियों ने उद्धव को बहुत अधिक भाग्यवान बताया है। बड़ भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। गोपियों ने कहा है कि हे उद्धव, तुम भाग्यवान हो। उद्धव भाग्यवान क्यों है? अपरस रहत स्नेह तगाते नाही न मन अनुरागे, अर्थात प्रेम रूपी धागे का स्पर्श न होने के कारण तुम्हारे मन में कोई अनुराग पैदा नहीं हुआ। तुम कृष्ण के पास रहकर भी, रहने के बावजूद भी तुम्हारे मन में अभी तक किसी भी प्रकार का अनुराग पैदा नहीं हुआ, अर्थात तुम्हारे मन में कभी भी प्रेम पैदा नहीं हुआ। किस प्रकार? तो यहाँ पर सूरदास जी ने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।
पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन कहते कमल, पात कहते पत्ते, कि जिस प्रकार कमल का फूल जल में उगता है और उसके पत्ते जल के ऊपर तैरते हैं, लेकिन उसके ऊपर पानी की बूंद तक न ठहरती। तात्पर्य यह है कि कमल का पौधा जल के भीतर रहने के बावजूद भी उसके पत्तों पर कभी पानी नहीं रह सकता। जो जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागे। दूसरा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से एक गागर के ऊपर अगर तेल छिड़क कर उसके ऊपर पानी की बूंद गिराई जाए तो उस गागर के ऊपर पानी की बूंदें कभी नहीं ठहर पाती। अर्थात तेल से सनी हुई गगरी के ऊपर अगर पानी गिराओ तो पानी की बूंद उसके ऊपर नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी के अंदर अपना पैर नहीं बोरिया, अर्थात तुमने अपना पैर नहीं डूबोया, इसलिए तुम्हें इस बारे में कोई पता नहीं है। अर्थात तुम्हें इस कृष्ण प्रेम के अंदर तुम मुग्ध नहीं हो। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। सूरदास अब्राहम भोरी गुर छाटी ज्यो पागी। गुर छाटी ज्यो पागी इसके अंदर उपमा अलंकार है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कहती है कि हे उद्धव, हम तो भोली हैं, हम अबला हैं, हम कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से मुग्ध हो गई हैं कि जिस प्रकार चिट्टी और गुड़ का प्रेम होता है, गुड़ की मिठास को देख कर चिट्टी आकर उस गुड़ के चिपक जाती है, इसी प्रकार हम गोपियां भी कृष्ण रूपी गुड़ के प्रेम में पूरी तरह से चिपक गई हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले 3 पद अगले वीडियो में।